पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और बेतहाशा महंगाई के विरोध में सोमवार को कांग्रेस सपा सहित अन्य कुल 18 राजनीतिक दलों द्वारा भारत बंदी का ऐलान किया गया था। पार्टियों के इस आंदोलन का असर गोरखपुर में भी देखने को मिला। पेट्रोल डीजल और कमर तोड़ महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रदेश के सभी तहसील भवन परिसर में धरने का कार्यक्रम रखा गया, जिसके तहत गोरखपुर में भी सपाइयों द्वारा तहसील भवन परिसर में धरना दिया गया। इस दौरान सपाइयों ने जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सपा के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा कि मोदी सरकार के राज्य में पेट्रोल डीजल रसोई गैस सहित महंगाई चरम पर है। भाजपा ने चुनाव से पूर्व देशवासियों को अच्छे दिन का सपना दिखाया था, लेकिन सरकार बनने के लगभग 4.5 साल बीत जाने के बावजूद लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिली है। उन्होंने कहा, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था चरमरा गया है। लगातार आम आदमी परेशान है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें रोज आकाश छू रही हैं, रोज बढ़ रही हैं। ये बहाना ढूंढ करके कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य बढ़ रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और देशों के लिए मूल्य बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश और भारत के लिए ही केवल अकेले नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी गोरखपुर और पूरे उत्तर प्रदेश में आज हर तहसील मुख्यालयों पर जनता की समस्याओं को लेकर के महंगाई के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में, छात्रों नौजवानों पर हो रहे जुल्म के विरोध में, महिलाओं पर हो रहे जुर्म के विरोध में और तमाम जो कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, ध्वस्त है, उसके विरोध में आज सरकार के खिलाफ धरना कर रही है।